इरफान हबीब से पूछना चाहिए, मोहम्मद साहब इस दुनिया में पैदा हुए इसका क्या साक्ष्य है? अबू बकर इस दुनिया में पैदा हुए इसका क्या साक्ष्य है? फातिमा बीबी इस दुनिया में पैदा हुई इसका क्या साक्ष्य है? आप यदि निष्पक्ष हैं तो आप रंगीला रसूल को छापें। मैं कहता हूं सिर्फ वो पन्ना जला करके दिखा दो जहां पर हलाला का प्रावधान है। ये मैं उन नेताओं से कह रहा हूं, बिल्कुल बनाना चाहिए। सवाल फिर वही खड़ा हो जाता है, जैसे हिंदू चाहेगा कि हिंदू राष्ट्र बने, मुसलमानों ने पाकिस्तान मांग लिया, भीम दीवाने भीमलैंड मांग लेंगे, द्रविड़ के द्रविड़स्तान मांग लेंगे। कल के दिन यदि लड़ाई होगी ना तो ये मुसलमान भारत के साथ नहीं खड़े होंगे, ये अपनी पुण्य भूमि के साथ खड़े होंगे। सूरह तौबा 9 आयत संख्या 5, फैजन सलखल अशहरुल हुरुम फक्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुहुम वखुजूहुम वसरूहुम वखुदूलहुम कुल मरसदीन फैन ताबू व अकामुस्सलात व आतुज़्ज़कात। इंटरव्यू देखिएगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चैनल सजेस्ट करना चाहता हूँ, मेरे दोस्त विक्रम देव का, जो विचार भाई विक्रम देव के नाम से है। वो काफ़ी एजुकेशनल, काफ़ी अच्छे और समाज के सेंसिटिव मुद्दों पर वीडियो बना रहे हैं। नया चैनल है, सपोर्ट करने की ज़रूरत है। अगर आपको उनके वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप उनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन भी दबा सकते हैं। और चैनल का लिंक डाल रहा हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में और पिंड कॉमेंट में। नमस्कार, मैं कुमार श्याम। हमारे शो के इस संस्करण में हमारे जो मेहमान हैं वो काफ़ी लोकप्रिय हैं, काफ़ी चर्चित हैं, वैदिक और सनातन संस्कृति के प्रवक्ता हैं, जगह जगह जाके उसका प्रचार करते हैं और काफ़ी तल्ख भी उनकी भाषा है। YouTube पे भी मशहूर हैं, Instagram पे भी मशहूर हैं। नाम है गौतम खट्टर, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका मुझे बुलाने के लिए। तो आपके काफ़ी भाषण सुने, काफ़ी आपके पॉडकास्ट देखे और उसमें जो एक नाराज़ युवा दिखता है उसकी पौध, उसकी वह जो ऊर्जा है वो कहाँ से आती है, कहाँ से शुरुआत होती है, आप अपनी थोड़ी सी अगर जीवन यात्रा के बारे में बताएं तो। नाराज़ युवा से आपका तात्पर्य? काफ़ी सवाल है, काफ़ी प्रश्न है सिस्टम से, है ना, एक जो मठाधीश हैं उनसे, जिन्होंने मिलावट कर दी उनसे, ये कहाँ से शुरू हुई? देखिए, मैं गुरुकुल का विद्यार्थी रहा हूँ, मेरी शिक्षा दीक्षा गुरुकुल से हुई। वहाँ पर भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, विज्ञान के साथ साथ अध्यात्म, विज्ञान के साथ साथ धर्म, विज्ञान के साथ साथ संस्कृति, वहाँ इतिहास, भूगोल और जितने भी विषय आमतौर पर नौजवान आज विद्यालयों में पढ़ते हैं, स्कूल्स में पढ़ते हैं, वो सारे विषय मैंने गुरुकुल परंपरा में भारतीय संस्कृति के साथ पढ़े। आज जो स्कूली शिक्षा है वहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशियोलॉजी, सोशल साइंस, सारे विषय पढ़ाए जाते हैं सिवा अपने धर्म के, अपनी संस्कृति, अध्यात्म, वैदिक सभ्यता के अतिरिक्त सब पढ़ाया जाता है, बस यही नहीं पढ़ाया जाता। तो मैंने जो पढ़ा वो अतिरिक्त पढ़ा इन सारे विषयों के बारे में, स्वदेश के बारे में, स्वधर्म के बारे में, स्वसंस्कृति के बारे में। जब ये सारे विषय मैंने पढ़े तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ अधूरा है समाज में। जो हमारा नौजवान जिस दिशा में जा रहा है उस तक तो बहुत सी बातें पहुँच ही नहीं रहे हैं। उस तक जो बातें पहुंच रही हैं वो अधूरी हैं। उस तक सिर्फ उतना पहुंच रहा है जितने में भारत के नेताओं का लाभ होगा, जितने में भारत की राजसत्ताओं का लाभ होगा, जितने में भारत के धन्ना सेठों का, भारत के जो ठग वर्ग है एक, उनको जितना पहुंचा करके लाभ मिलता है वो उतना पहुंचा देते हैं और इतिश्री हो जाती है। तो मेरी जो विशेष तौर पर आपने यात्रा के बारे में पूछा, वो यात्रा यहीं से प्रारंभ हुई। स्थानों पर या जिन संस्थानों में भारत का नौजवान, आज भारत की एक नौजवान लड़की मिनी स्कर्ट पहन करके जाती है, मेरा तात्पर्य भारत के स्कूलों से है। जहां पर आज हमारे भारत का नौजवान टाई लगा करके जाता है, वहां पर मैं पीला कुर्ता पहन के जाया करता था। तो
वहाँ से ये चीज़ें प्रेरित हुआ, मैं वहाँ से प्रेरणा मिली। और संस्थान भी कोई सामान्य संस्थान नहीं थे, वो शिक्षण संस्थान थे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, जिसकी नींव में भारत की क्रांति की लड़ाई थी। यानी 1902 में स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने उस संस्थान की स्थापना ही इसलिए की थी क्योंकि उनके मन में एक छोटा सा विचार आया था। स्वामी श्रद्धानंद ने देखा कि उनकी बेटी स्कूल से लौट रही है तो वो एक गीत गा रही है, और उस गीत के लिरिक्स थे, ईसा ईसा बोल तेरा क्या लगेगा मोल, ईसा मेरा कृष्ण कन्हैया, ईसा मेरा राम रहैया, ईसा ईसा बोल तेरा क्या लगेगा मोल। तो स्वामी जी ने देखा कि मैं तो अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए भेज रहा था विद्यालय में, लेकिन वो पढ़ के कुछ और आ रही है। तब उनके मन में आया कि इसको अभी से स्कूल में नहीं भेजना, जहां पर स्वदेश के बारे में ना बता करके विदेश के बारे में बता, मतलब जहां स्वदेश की भावना को ही समाप्त कर दिया जाए, जहां राम और कृष्ण बहुत पीछे छूट जाएं और ईसा ही सबसे ऊपर हो जाए, ऐसी जगह मैं अपनी बेटी को नहीं भेजूंगा। और ना केवल मैं अपनी बेटी को भेजूंगा नहीं, मैं भारत के किसी नौजवान को वहां नहीं भेजना चाहता, इसीलिए मैं एक विकल्प पैदा करूंगा। और स्वामी जी ने अपने बच्चों की शक्ल ना देखने का संकल्प लिया जब तक वो गुरुकुल ना खोल दें। और उस महामानव ने इस देश में जाने से पहले 5 गुरुकुलों की स्थापना करी, और उन्हीं गुरुकुलों में महिला गुरुकुल भी सम्मिलित है। महिला गुरुकुल से अब आप सोचेंगे ये तो सामान्य सी बात है, किसी व्यक्ति ने लड़कियों के लिए यदि गुरुकुल खोल दिया, स्कूल खोल दिया, तो बहुत इजी, आज की दृष्टि में देखा जाए तो बहुत छोटी बात है। लेकिन उस समय सन 1902 में, जहां महिलाओं को वेद पढ़ना अपराध माना जाता था, पुस्तक देखना अपराध माना जाता था, वेद मंत्र सुनना निषेध था, यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार नहीं था, उस काल में उस महात्मा ने सबसे पहले जलंधर में कन्या पाठशाला खोल करके इन सारे पोंगाओं के सिद्धांतों पर, झूठे सिद्धांतों पर बट्टा लगा दिया और अपनी बेटी को भेजा। गुरुकुल जब खोला तो कोई पढ़ने नहीं आ रहा था, अपने दोनों बेटे इंद्र विद्या वाचस्पति और दूसरे हरीश्चंद्र, दोनों बेटों को गुरुकुल में भेजा। बाद में उनका एक जो बेटा था इंद्र, वो राज्यसभा का सांसद भी बना। उन्होंने ये काम किया। तो मैं उस फैक्ट्री से निकला हूं, जो भी मैं बोलता हूं ना, आप जो कह रहे हैं कि आप ऐसा बोलते हैं सख्त रवैया है, मैं कुछ नहीं बोलता, मैं एक टेप रिकॉर्डर हूं। मैं वो टेप रिकॉर्डर हूं जिसमें ऋषियों की कैसेट बज रही है, जिसमें गुरुकुल परंपरा की कैसेट बज रही है, जिसमें भारतीय संस्कृति की कैसेट बजती है। मैं तो टेप रिकॉर्डर हूं, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो शून्य तुच्छ हूं, बहुत तुच्छ। मैं अपने को कुछ नहीं मानता, जो भी मैं आज बोल रहा हूं कह रहा हूं वो ऋषियों से अभिप्रेरित है। वो गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी, आचार्य चाणक्य, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जो सद शिक्षाएं हैं, सद प्रेरणाएं हैं, वो गौतम खट्टर रूपी टेप रिकॉर्डर में बज रही हैं। बस इससे अतिरिक्त मेरा और कोई परिचय है ही नहीं। कैरियर के बारे में नहीं सोचा आपने कि सरकारी नौकरी कर लेते हैं? मैंने, अगर आप सच पूछें तो जो काम स्वामी श्रद्धानंद का अधूरा रह गया, क्योंकि स्वामी श्रद्धानंद ने इस संसार को, इस समाज को अमृत के प्याले पिलाए। अपना घर बेच करके आप यकीन नहीं मानेंगे, उस आदमी ने गुरुकुल में दान दे दिया सारा पैसा, क्योंकि समाज महापुरुषों को भी जीने नहीं देता। जब उस व्यक्ति ने अपना सब कुछ आहूत कर दिया ना, और एक कोठी जो उनकी जलंधर में थी वो उन्होंने छोड़ दी कि बच्चों के लिए भी तो कुछ छोड़ के जाना ही है, उनके मन में रहा होगा कि सब कुछ तो दे ही दिया, एक कोठी है ये बच्चों के काम आ जाएगी, उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन एक महिला को उन्होंने ये कहते हुए सुन लिया कि हम अपने बच्चे को इसके गुरुकुल में नहीं भेजेंगे, तो उसके जो हस्बैंड थे, यानी उस महिला के जो पति थे, उन्होंने कहा नहीं, देखो स्वामी श्रद्धानंद ने सब कुछ लगा दिया, इनको आज राष्ट्र को खड़ा करने के लिए नौजवानों की जरूरत है, यदि हम अपने बच्चे को इनके गुरुकुलों में नहीं भर्ती कराएंगे तो ये देश, ये राष्ट्र, ये संस्कृति, ये भारत कैसे बचेगा? और गुरुकुल में देखो इन्होंने अपने बच्चों को भी तो डाला है, तो
तो हम भी अपने बच्चे को भेज देते हैं। तो उस महिला ने बोला कि अरे इसके पास तो संपत्ति है, इसके पास तो अपना घर है, कुछ नहीं बना इसके बच्चों का, तो ये तो अपने बच्चों के लिए वो कोठी छोड़ करके चला जाएगा, वो तो अपना गुजर बसर कर भी लेंगे जैसे भी चाहें। तो ये बात स्वामी श्रद्धानंद ने सुन ली गुरुकुल के प्रांगण में, उनके कानों में ये बात आ गई। आप यकीन नहीं मानेंगे, सुबह 4 बजे स्वामी श्रद्धानंद ने अपने दोनों बच्चों को बुला लिया और एक वसीयत लिख दी और बोला कि पत्र है पढ़ लीजिए। उसमें पत्र में लिखा हुआ था कि आज से मैं वो जो जलंधर की हमारी शाही कोठी है वो भी समाज के लिए दे रहा हूँ, तुम्हें इस पे कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा इस पे सिग्नेचर कर दो, और आपत्ति है तो भैया मत करो, कोई बात नहीं। बेटे ने पढ़ा तो एक बेटा थोड़ा संकोच करके देखने लगा, तो दूसरे वाले बेटे ने कहा कि ऐसा क्या लिख दिया पिताजी ने जो ये अभी तक पढ़ रहा है और मुंह से कुछ बोल नहीं रहा है। दूसरे बेटे ने तुरंत पत्र छीना, छीन करके पढ़ा और उसकी आंखों से आंसू गिर गए और उसने भाई को लताड़ा, बोला इतना समय लगता है, पिताजी ने देश के लिए सब कुछ दे दिया, क्या हम ये कोठी नहीं दे सकते, फटाफट हस्ताक्षर करो। उसने कहा कि मैं संकोच नहीं कर रहा था देने में, मैं ये सोच रहा था कि पिताजी हमसे पूछ ही क्यों रहे हैं, ये सब इन्हीं का तो है, हमसे पूछने की आवश्यकता क्या है। दोनों ने हस्ताक्षर कर दिए और वो जो कोठी थी वो भी देश के लिए दे दी। तो मेरा जो संकल्प है, देश में जितने भी महापुरुषों का, भगत सिंह का आज सपना अधूरा है, चंद्रशेखर आजाद ने जो सपना देखा था वो अधूरा है, राम प्रसाद बिस्मिल ने जो सपना देखा था अखंड प्रचंड भारत का, वो सपना आज अधूरा है, महर्षि दयानंद ने जो 17 बार जहर खा करके अपना बलिदान दिया, उन्होंने जो सपना देखा था भारत का वो अधूरा है, स्वामी श्रद्धानंद ने जो देश का कल्याण किया उसके बाद उनको उपहार में 3 गोली मिली, हृदय में जिन्होंने गोली खा करके अपने प्राणों की आहुति दी, उनका सपना आज पूरा नहीं हो पाया। हम भारत में अपनी स्वदेशी शिक्षा व्यवस्था 70 साल के बाद भी खड़ी नहीं कर पाए, वो सपना अधूरा है। इनके सबके सपनों को पूरा करना ही मेरा जीवन का कैरियर है, इसी को मैं अपना जीवन का लक्ष्य मानता हूँ, इसी को मैं अपना कैरियर मानता हूँ, इसी को पूरा करना है, यही मेरा कैरियर है। और मेरा कोई कैरियर नहीं है कि मुझे कहीं नौकरी चाहिए या मुझे कुछ धन अर्जन करने के लिए कुछ ऐसा करना है वैसा करना, नहीं, यही मेरा लक्ष्य है, इसी को पूरा करना है। भारत में गुरुकुल शिक्षा परंपरा पुनः स्थापित हो, जो हमारे पूर्वजों का सपना अधूरा रह गया वो पूर्ण हो, यही मैं अपने जीवन का कैरियर मानता हूँ, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। लेकिन युवाओं के आप प्रेरणा स्रोत हैं, आपको सुनते हैं लोग, लेकिन कुछ प्रश्न हैं जो हमारे जहन में भी उठते हैं, युवाओं के जहन में जो सामान्यतः पूछा जाता है। जैसे मान लो एक सबसे बड़ा प्रश्न जिसका उत्तर आप ही सही तरीके से दे पाएंगे, एक हिंदू धर्म है एक सनातन धर्म की बात कही जाती है, दोनों में क्या फ़र्क है अगर है तो? जी, बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए, हिंदू जो शब्द है और जो सनातन शब्द है, इन दोनों के साथ ही धर्म जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले तो धर्म समझ लें क्या होता है। धर्म होता है वह सिद्धांत जिनको धारण करके जीवन में उन्नति होती है, वो धर्म होता है। जिन सिद्धांतों को, जिन आचरणों को जीवन में धारण करके पतन होता है, वो अधर्म होता है। धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और अधर्म से पीछे हटना चाहिए। धर्म सीधा सीधा दो ही बातों पर आधारित है, एक है विधि और दूसरा है निषेध। एक है विधि और दूसरा है निषेध, डू एंड डोंट। ये जो है मतलब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका ठीक प्रकार से ज्ञान होना ही धर्म है। और जो करना चाहिए वो आप ना कर रहे हो तो वो अधर्म है, जो नहीं करना चाहिए वो आप कर रहे हो वो अधर्म है। जैसे माता पिता ने आपकी सेवा करी, जब आप पैदा हुए आपको पाल पोस करके बड़ा किया, आपको आपके पैरों पर खड़ा किया, अब आपका कर्तव्य है कि माता पिता की सेवा करनी है। जो व्यक्ति माता पिता की सेवा करता है तो
तो वो धार्मिक है, जो नहीं करता है वो अधर्मी है। सीधी सीधी बात। अब आप कहेंगे जब धर्म की इतनी छोटी परिभाषा है, इतनी सरल सी परिभाषा है, तो ये हिंदू धर्म, ये मुसलमान धर्म, ये सिख धर्म, ये ईसाई धर्म, ये बौद्ध धर्म, ये जैन, यहूदी, पारसी, ये क्या है? ये सब है मत, पंथ, संप्रदाय, मजहब, कल्ट, ये धर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप इस्लाम को उठा करके देखेंगे तो क्या उसमें जितनी बातें निहित हैं सब धर्म है? क्या सब करना चाहिए जो उसमें लिखा है? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बहुत सी बातें ऐसी। कहते हैं बकरे को काट दो बकरीद पे, उससे उसकी रूह जन्नत को जाएगी, अल्लाह बड़ा प्रसन्न होगा। क्या यह धर्म हो सकता है? क्या किसी परम सत्ता रूपी जिसको आप अल्लाह कहते हो, वो किसी की जान प्राण लेकर के प्रसन्न हो सकता है? यदि वो प्रसन्न होता है किसी की हत्या में, तो वो धर्म नहीं हो सकता, और ऐसा अल्लाह परमात्मा नहीं हो सकता, या उपास्य नहीं हो सकता। सीधी सीधी बात। तो वो धर्म नहीं है, वो मजहब है, वो पंथ है, वो संप्रदाय है, जिसको किसी व्यक्ति विशेष ने स्थापित किया है। और संप्रदाय वही होता है जिसकी एक अपनी नियमावली हो, जिसकी अपनी एक उपासना पद्धति हो, जिसका अपना एक उपासनीय देव अलग हो। तो आप सबको देखिए, इस्लाम का संस्थापक अलग, नियमावली अलग, पूजा पद्धति अलग, उपासनीय देव अलग। ऐसी ईसाइयत, संस्थापक अलग, पूजा पद्धति बिल्कुल अलग, उपासनीय देव बिल्कुल अलग, और नियमावली बिल्कुल अलग। उसमें बहुत सी बातें ऐसी जो करनी चाहिए, आचरण में लानी चाहिए, लेकिन बहुत सी ऐसी हैं जो आचरण में नहीं लानी चाहिए। ऐसे ही जो सनातन है, सनातन वैदिक धर्म है, वो तो सब, वो असली एक धर्म है, क्योंकि वेद में एक भी बात ऐसी नहीं है जिसको आप नकार दें कि ये नहीं करना चाहिए, और परमात्मा ने इसका विधान किया है। पूरे वेद में आपको कहीं एक ऐसी बात नहीं मिलेगी। हाँ, बाद में जो उसके धड़े निकल गए, जैसे बहुत सारी पुराण आ गई, उसमें लिखा है कि भैरव बाबा पे शराब चढ़ा दो, किसी ने लिख दिया, किसी ने लिख दिया कि काली माता पर बकरे की बलि दे दो, किसी ने और लिख दिया कि उस देवता को ये वाली बलि दे दो। तो वो वेद में कहीं नहीं है। चारों वेद में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्व वेद के किसी भी मंत्र में, इवन ए सिंगल मंत्र में, ऐसा विधान नहीं है कि किसी जानवर की, किसी पशु की, किसी नर की बलि दे करके परमात्मा को चढ़ाओ, उससे परमात्मा प्रसन्न होगा। तो असली जो एक धर्म है, जिसमें सब यथावत सत्य सत्य बात को लिखा गया है, विद्या जनित बात को लिखा गया है, वो वेद है। बाकी सब मत, पंथ, संप्रदाय हैं, जो कालांतर पर स्थापित होते चले गए। आज से 1400 साल पहले एक पंथ आया, उससे आज से 2000 साल पहले एक दूसरा पंथ आया, आज से 3500 साल पहले एक तीसरा पंथ आया, आज से 4000 साल पहले एक चौथा पंथ आया, आज से 5000 साल पहले एक दूसरा अलग पंथ आया। लेकिन उससे पहले एक ही धर्म था सबका, कि सत्य बोलना है और असत्य नहीं बोलना है। मानव का एक ही धर्म होता है, दो नहीं होते कभी भी। भाई मैं चीनी खाऊंगा, मुझे भी मीठी लगेगी, आप खाएंगे आपको भी मीठी लगेगी, कोई पाकिस्तानी खाएगा उसको भी मीठी लगेगी, कोई अमेरिकन खाएगा उसको भी मीठी लगेगी, एक है, अलग नहीं हो सकता। कोई मुसलमान का बच्चा पैदा होगा वो भी रोएगा, हिंदू का पैदा होगा वो भी रोएगा, ईसाई का पैदा होगा वो भी रोएगा। ऐसा कभी नहीं होता कि ये तो अल्लाह ताला के मानने वालों के घर में पैदा हुआ तो ये कुछ अलग प्रकार की क्रिया पैदा होती ही करेगा, और ये क्योंकि राम को मानने वाले हैं ये अलग क्रिया करेंगे। नहीं, परमात्मा का बनाया हुआ सिद्धांत एक ही है, सत्य बोलना है, असत्य से दूर हटना है, माता पिता की सेवा करनी है, गुरुजनों का आदर करना है। कोई मुसलमान है जो कह देगा बोले माता पिता को मारो, और यदि कहता है तो वो धर्म नहीं है। हिंदू जो है वो अभी नया नया एक शब्द है, चारों वेद में कहीं हिंदू शब्द नहीं है, छह दर्शनों में कहीं हिंदू शब्द नहीं है, मुख्य 11 उपनिषदों में भी कहीं हिंदू शब्द नहीं है, मनुस्मृति में कहीं हिंदू शब्द नहीं आता, चाणक्य नीति में कहीं हिंदू शब्द नहीं आता, महाभारत रामायण में कहीं हिंदू शब्द नहीं आता, विदुर नीति में कहीं हिंदू शब्द नहीं आता। हिंदू जो शब्द है ना, ये मोहम्मद बिन कासिम के बाद इसका डेवलपमेंट हुआ है,
इससे पहले हिंदू शब्द नहीं था, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले इंडिया शब्द नहीं था, उसके बाद आया। तो ऐसे ही जो हिंदू शब्द है ये मुसलमानों ने हमको दिया। भारतीय सनातन वैदिक परंपरा के किसी भी ग्रंथ में हिंदू शब्द नहीं आता, आर्य शब्द आता है, हिंदू नहीं आता। लेकिन अब दुर्भाग्य से हमने हिंदू धर्म हिंदू धर्म हिंदू धर्म हिंदू धर्म करने लगे। हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदुत्व नाम की दुनिया में कोई चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अरबी उर्दू फारसी तीन डिक्शनरीज हैं। जैसे अंग्रेजी की डिक्शनरी की जब बात आती है तो हम ऑक्सफर्ड की तरफ जाते हैं ना, ऑथेंटिक मानते हैं, ऐसी उर्दू अरबी और फारसी की तीन डिक्शनरी हैं, गयास उल लुघात, करीम उल लुघात और फिरोज उल लुघात। इन तीनों डिक्शनरी में जब हिंदू शब्द का अर्थ देखने जाते हैं तो हम पाते हैं हिंदू मतलब चोर, हिंदू मतलब काफिर, हिंदू मतलब लुटेरा, हिंदू मतलब लुच्चा, हिंदू मतलब लुफंगा, हिंदू मतलब बदमाश। अब इस अर्थ को पढ़ने के बाद भी कोई स्वयं को हिंदू कहता है तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, हम हिंदू नहीं है, हम सनातनी है। लेकिन हिंदुत्व की राजनीति होती है, हिंदुत्व का वो तो अज्ञानता भाई। ना तो हिंदुत्व, हिंदुत्व का झंडा बरदारी करने वाला, जय घोष करने वाला हिंदू शब्द का अर्थ जानता है और ना ही सुनने वाले उसका अर्थ जानते हैं, है ना। तो एक वो है ना, जैसी जैसा राजा वैसी प्रजा, है ना। अंधेर नगरी चौपट राजा, ज्ञान तो किसी को, शास्त्रोक्त ज्ञान तो है ही नहीं। जैसा किसी ने हिंदुत्व 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 कह दिया वैसा कर दिया। जो बहती गंगा जा रही है उसमें सबने हाथ धो लिए। लेकिन हिंदू शब्द नहीं है, सनातन शब्द है। लेकिन मूल वेदों में है। क्या आपने कहा मूल वेदों में है, वहीं से तमाम चीजें हैं, उसके बाद में आगे चीजें हुई। अब अगर कोई जैसे मैं, मैंने वेद नहीं पढ़े हैं, ठीक है, मैं कैसे शुरुआत करूं, कहां से वेद को पढ़ूं, उसकी पृष्ठभूमि क्या होनी चाहिए? पृष्ठभूमि बिल्कुल, भूमिका क्या होनी चाहिए? देखिए कोई भी विषय जब हम पढ़ते हैं तो पहले हम उसका ओवरव्यू लेते हैं। जब तक हमारी किसी विषय में रुचि पैदा नहीं होगी तब तक हम विषय को पढ़ने में मतलब एक प्रकार से आकर्षित नहीं होंगे। रुचि पैदा होना बहुत जरूरी है। वेद क्या है, वेद में क्या है, वेद को लेकर के क्या भ्रांतियां हैं, क्या सच्चाई है, क्या झूठ परोसा जाता है, ये सारी बातें हमको पता होनी चाहिए ताकि हमारे माइंड में एक फिल्ट्रेशन हो जाए कि अगर ये बात है ना समाज में चर्चित होती है, प्रचलित होती है, तो ये झूठ है, और ये वाली जो बात है ना ये सच है। जैसे वेद की आपने प्रश्न कर दिया, लेकिन आज भी भारत की एक बड़ी आबादी मानती है कि वेद तो इतने भारी हैं कि वो कई हाथियों का बोझा है। वेद तो बड़े दुर्लभ हैं, वेद तो दिखाई नहीं देते, वो तो उसको तो कोई राक्षस उठा करके ले गया, ऐसी बहुत सारी भ्रांतियां हैं। तो वेद को पढ़ने से पूर्व उसकी पृष्ठभूमि यदि बनानी है तो ऋषि दयानंद ने ग्रंथ लिखा है सत्यार्थ प्रकाश, भारत का ही नहीं पूरी दुनिया का प्रथम हिंदी ग्रंथ। उससे पहले जितने ग्रंथ लिखे गए या तो उर्दू में लिखे गए या संस्कृत में लिखे गए या अंग्रेजी में लिखे गए, हिंदी में वो पहला ग्रंथ था। गुजरात की धरती से उदय हुआ ऋषि दयानंद का, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा 1875 में सत्यार्थ प्रकाश। उसमें उन्होंने वैदिक मान्यता, इस्लामिक मान्यता, ईसाइयत मान्यता, यहूदी मान्यता, दादू कबीर नानक, सारी मान्यताओं पर प्रचार जो हो रहा है समाज में उसमें कितना सच है कितना झूठ है सब परोस दिया। 14 चैप्टर लिखे, पहले ही शुरुआत करी ईश्वर के बारे में। सत्यार्थ प्रकाश जो टाइटल है ना आप इसी से समझ सकते हैं, उनका उद्देश्य था सत्य सत्य अर्थ का प्रकाश। इस समाज में बहुत अंधकार फैल गया है, क्या सच है इंसान को पता ही नहीं, क्या झूठ है इंसान को पता ही नहीं, बस सब चले ही जा रहा है चले ही जा रहा है चले ही जा रहा है। अनभिज्ञ होकर के इस दुनिया में आते हैं और अनभिज्ञ ही रह करके इस दुनिया से चले जाते हैं, सत्य का बोध ही नहीं हो पाता। कोई भी आकर के हमको पंडित जी बेवकूफ बनाता है, हम बन जाते हैं। कोई मुल्ला मौलवी मुकर्रम बारी आता है और झूठी बातें करता है, अल्लाह के नाम पर हम मान लेते हैं। कोई भी आर्क बिशप कार्डिनल फादर आता है
बाइबल की झूठी बातें बताता है, सच बताता है, मिलावट करता है, परोसता है, अपना लाभ लेकर के चला जाता है और हम सत्य वचन महाराज कहकर के बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं दुनिया के 300 सत्य और असत्य ग्रंथ जो प्रचारित हैं समाज में, उन सब की विवेचना करके तुम्हें सत्य सत्य अर्थ का प्रकाश दे रहा हूं। ये पढ़ लो ताकि तुम्हें दुनिया का कोई भी व्यक्ति ठग ना पाए, झूठ ना बोल पाए, बेवकूफ ना बना पाए। इसलिए ऋषि दयानंद ने वो दे दिया। देने के बाद आप सोचिए 1875 में पहली बार उस व्यक्ति ने, कोई नहीं था दुनिया में इस्लाम के झूठ को पकड़ने वाला, कोई नहीं था इस इस्लाम के पाखंड को उजागर करने वाला, और था भी तो उसमें इतना हिम्मत नहीं थी, इतना साहस नहीं था, उस व्यक्ति ने लिखा। और सबसे बड़ी बात, सबसे पहले अपने घर की बुराइयों को उजागर किया, फिर पड़ोसियों की बुराई। आजकल क्या है, ये जितने भी हिंदूवादी नेता है ना, जैसे ही बकरीद आएगी तो बकरा नहीं खाना चाहिए, बकरा खाना पाप है, जानवर पे अत्याचार नहीं करना चाहिए, और जैसे ही हिंदू लोग मुर्गा खाएंगे, हिंदू लोग जाकर के अपने देवियों के मंदिरों में बलि चढ़ाएंगे, उस पे मुंह पे टेप चिपका के बैठ जाएंगे। उनको भोजन तो अपना अधिकार है, हैं? कहते हैं भोजन अपना अधिकार है, भाई भोजन थोड़ी है। नहीं, भोजन तो अधिकार है, जैसे ही मुसलमानों की बात आएगी तो झंडा लेके खड़े हो जाएंगे, लेकिन जब हिंदू मंदिर में कोई बलि देगा तो उसके फेवर में खड़े हो जाएंगे। लेकिन ऋषि दयानंद ने, वो एक दुनिया के मात्र ऐसे सन्यासी थे जिन्होंने घर की बुराइयों को पहले उजागर किया, सबसे एंड में 14वें चैप्टर में इस्लाम की जड़ों को उखाड़ा, ताकि कल के दिन को ये ना कह दे अरे सनातन में दुनिया भर का पाखंड प्रचलित हो रहा है समाज में, इसको कौन उजाड़ेगा। सबसे पहले उन्होंने वो उजाड़ा। तो पृष्ठभूमि यदि बनानी है तो सत्यार्थ प्रकाश पढ़े। भगत सिंह ने पढ़ा था, लाला लाजपत राय ने पढ़ा था, वीर सावरकर ने पढ़ा था, महामना मदन मोहन मालवीय ने पढ़ा था, और भारत के 80% क्रांतिकारियों ने पढ़ा था। कई पुस्तकों में इसके लिखित रिकॉर्ड प्राप्त होते हैं। पट्टाभी सीतारमैया जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, उन्होंने अपने जो कांग्रेस का इतिहास और अपनी जो बायोग्राफी में कई जगह इस विषय की चर्चा करी। तो हम यदि उसको पढ़ें तो हमें कोई मूर्ख नहीं बना सकता। केरल फाइल्स आई थी ना, कितना मूर्ख बनाया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है। दुनिया के किसी भी सनातन वैदिक धर्मी का कोई भी दुनिया का विधर्मी ब्रेन वॉश नहीं कर सकता यदि वो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ ले तो। कोई नहीं कर सकता, किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं होगी। उल्टा आप उसके संप्रदाय की इतनी झूठे तथ्य उसके सामने रख देंगे कि वो मुंह बंद करके चुपचाप चला जाएगा। लेकिन सवाल ये भी है कि वेद पढ़ना क्या आज के जमाने में प्रासंगिक है? वेद प्रासंगिक है या नहीं, ये प्रश्न आपके मन में क्यों आया? जब आप ये प्रश्न लिख रहे होंगे या प्रश्न उठा होगा, इसके पीछे क्या कारण रहा होगा? कारण तो यही कि माना जाता है कि बहुत पुरानी किताबें होंगी, पुराने थॉट होंगे, जमाना बदल रहा है, तो क्या वो चीज़ें आज के AI के ज़माने में क्या फिट बैठती हैं, क्या वो चीज़ें हैं जो आज के ज़माने के लिए सूटेबल हैं? उस दृष्टि से आप अध्ययनशील व्यक्ति हैं, अध्ययन किया है, तो आप ठीक बता पाएं। देखिए, जो वैदिक सिद्धांत हैं, जो वैदिक मंत्र हैं, जो वेद हैं, जो सनातन वैदिक धर्म है, वो प्राचीन से भी प्राचीन है और नवीन से भी नवीन है। सूरज जब से सृष्टि है तब से उदय होता है और तब से ही अस्त हो रहा है। क्या आपको इसकी नवीनता में कोई शक है? ऐसे ही सनातन वैदिक धर्म के सिद्धांत हैं। जैसे चंद्रमा रोज नजर आता है और रोज उतना ही तेजस्वी लगता है जितना कल लग रहा था, जितना परसों लग रहा था, उतना ही तेजस्वी सनातन का सिद्धांत है। ये समय पर परिवर्तित नहीं होता। सनातन के जो सिद्धांत हैं वो सार्वदेशीय हैं, सार्वकालिक हैं, सार्वभौमिक हैं, सब जगह समान रूप से लागू होते हैं। जैसे गायें भारत में हो, पाकिस्तान में हो, अथवा चाइना, अमेरिका, रशिया, जापान में हो, सब जगह समान रूप से दूध ही देती है। किसी भी देश की गाय ऐसी नहीं है जो शराब देने लगे, किसी भी देश की गाय ऐसी नहीं है जो विष देने लगे, दूध ही देगी। इसी प्रकार जो सनातन धर्म है ना, वो सब पर समान रूप से लागू होता है, सब पर। सत्य बोलना चाहिए, मैं बोलूँगा, आप बोलेंगे, पाकिस्तानी बोलेगा,
या चाइनीज बोलेगा। कहीं किसी देश के कानून में ऐसा दिखाओ कि सत्य बोलना पाप हो और झूठ बोलने पर इनाम दिया जाता हो। वही तो वेद कह रहा है, और क्या वेद कोई बहुत अलग बात कह रहा है? वैदिक सिद्धांत तो बहुत नवीन है। आज की सदी में हम विमान बनाने लगे, हवाई जहाज बनाने लगे, वेद में तो इन सारे सिद्धांतों का जो निचोड़ है, जो सारे सिद्धांतों का प्रावधान है, वो पहले से ही है। उसमें कोई संशय की बात ही नहीं है। वेद यज्ञ का प्रावधान करता है, यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्मः। आप कल यज्ञ करेंगे, परसों करेंगे या 10 साल के बाद करेंगे, यज्ञ करने से वातावरण पवित्र ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस विधान से उसमें बताया गया है, उस विधान से करेंगे तो यज्ञ करने से संसार का उपकार ही होगा, कल्याण ही होगा। वेद कहता है ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, मातृ पितृ यज्ञ और बलि वैष्णोदेव यज्ञ, 5 यज्ञों का विधान है। जैसे इस्लामिक लोग 5 समय नमाज करते हैं, ऐसी सनातन में आदि काल से 5 यज्ञों का विधान है। तो उसमें मातृ पितृ यज्ञ है 1 यज्ञ। तो आप ये बताओ, जब वेद परमात्मा ने दिए थे, परमपिता परमात्मा ने जिस दिन वेद दिए थे सृष्टि के आरंभ में, उसी दिन ये विधान था? माता पिता का आदर, माता पिता का सम्मान, माता पिता का की सेवा उसी दिन था। उस दिन से आज के दिन क्या ये सिद्धांत पुराना हो गया? क्या ये प्रासंगिक नहीं है? क्या हम ये कह सकते हैं कि आज से 1000 साल पहले, 5000 साल पहले, 10000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण अपनी माता का आदर करते थे, सम्मान करते थे, उनकी सेवा करते थे, क्योंकि वो वैदिक सिद्धांतों पर चलते थे? परंतु ये सिद्धांत आज प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि ये तो सिद्धांत बहुत पुराना हो गया। अब हमें माता पिता का सम्मान करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हम ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते ना। और आने वाले 10 साल, 20 साल, कई शताब्दियों में भी ये सिद्धांत जस का तस बना रहने वाला है। लेकिन सवाल उठाने वाले उठाते हैं, जैसे रामायण महाभारत को लेकर सवाल है, क्या ये सिर्फ पौराणिक है या ऐतिहासिक महाकाव्य है? तो स्वाभाविक सी बात है, राम जी की जो घटना है वो कल परसों की तो है नहीं। नहीं, कहते हैं कि ये ऐतिहासिक नहीं मालूम पड़ता। जैसे इरफान हबीब सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास लिखते हैं, उसमें वो आखिर में कहते हैं, राम के बारे में चर्चा होती है, मैं अगर ठीक याद कर पा रहा हूँ, तो कहते हैं कि अब तक हमारे पास ऐसे साक्ष्य नहीं है कि रामायण हुई। इरफान हबीब से पूछना चाहिए, मोहम्मद साहब इस दुनिया में पैदा हुए इसका क्या साक्ष्य है? अबू बकर इस दुनिया में पैदा हुए इसका क्या साक्ष्य है? फातिमा बीबी इस दुनिया में पैदा हुई इसका क्या साक्ष्य है? है कोई साक्ष्य? आयशा इस दुनिया में पैदा हुई इसका क्या साक्ष्य है? उस्मान इस दुनिया में पैदा हुआ इसका क्या साक्ष्य है? साक्ष्य कोई? क्या इनमें से किसी का भी कोई साक्ष्य है? हु इज इरफान हबीब टू कमेंट ऑन राम और रामायण? राम सिर्फ मैं उनका एक मिसाल के तौर पे ले रहा हूं। सवाल तो सवाल ये सबसे है, जो भी लोग साक्ष्य की बात कर रहे हैं और इन सारे पात्रों को काल्पनिक बता रहे हैं, मैं इनका उत्तर दूं इससे पहले। लेकिन कम से कम जैसे हिंदू बच्चे सुन रहे हैं हमें, हिंदू युवक सुन रहे हैं, उनके लिए तो होना चाहिए, क्या है पौराणिक ऐतिहासिक दस्तावेज है या काव्य है? बिल्कुल काव्य नहीं है, कोई इमेजिनरी नहीं है, सच बात है, इतिहास है हमारा। राम जी संसार में हुए, पूरी वंशावली मिलती है। आप वाल्मीकि रामायण उठा करके तो देखिए, प्रश्न वही उठाते हैं जो पेरियार जैसे महानीच इंसान की झूठी रामायण पढ़ते हैं, सच्ची रामायण का कवर लगा करके, उन्हीं को आते हैं ये प्रश्न। और देश के सबसे बड़े प्रकाशन राजकमल प्रकाशन ने वो किताब छापी है, क्या कह सकते हैं? उनको उनको कोई मतलब थोड़ी है उससे। उनको तो ऐसे प्रकाशन सिर्फ और सिर्फ धन अर्जन के लिए चलते हैं, इनका समाज से कोई सरोकार नहीं होता, कोई उद्देश्य नहीं होता। अगर उनके अंदर इतनी हिम्मत है, राजकमल प्रकाशन के अंदर इतने वो स्पष्टतावादी हैं, तो आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से यदि वो मेरी बात सुने, तो मैं उनसे आग्रह करता हूं, आप यदि निष्पक्ष हैं तो आप रंगीला रसूल को छापें। क्या आप छाप पाएंगे? छाप के दिखा दे। आप यदि निष्पक्ष हैं तो छाप के दिखाएं,
मुस्लिमों से जो प्रश्न किए हैं लाजपत राय अग्रवाल नाम के एक महान पंडित ने, इस्लाम पर जितना साहित्य लिखा है मैं आपको उपलब्ध कराता हूँ, आप छाप के दिखाएं, राजकमल प्रकाशन के अंदर हिम्मत है तो छापें, मुझे लगता है नहीं छाप पाएंगे क्योंकि हिम्मत जुटाना बहुत मुश्किल है। आपको लगता है कि हिंदू धर्म को टारगेट करना सॉफ्ट कॉर्नर है, शिक्षा का भाव है कि कर ही देते हैं, करते बिगड़ता कुछ हैं, है? मीडिया सनातन धर्म को टारगेट करता है, देश के राजनेता सनातन धर्म को टारगेट करते हैं, देश के सामाजिक कर्ता सनातन धर्म को टारगेट करते हैं, हर कोई तो चारों तरफ से सनातन पर ही प्रहार करने में लगा हुआ है। कोई भी गली का नेता उठ जाता है स्वामी प्रसाद मौर्य के रूप में और उठा करके रामचरितमानस की प्रतियों को जला देता है, कहता है इसमें महिलाओं का और शूद्रों का अपमान है। ठीक है, मैंने मान लिया, चलिए एक बार को मैंने मान लिया कि जो आप कहते हैं वो सत्य है, हाँ उसमें नारियों का अपमान है, तो उठाओ कुरान जहां पर हलाला का प्रावधान किया गया है, उठाओ उस कुरान को जिसमें 3 तलाक का प्रावधान है, उठाओ उस कुरान को जिसमें बुर्का प्रथा है, उठाओ ना। तो कुरान या जो उनकी जो भी धर्म ग्रंथ हैं उसको हाँ कोट करने से भी आपको सर तन से जुदा के धमकियां तभी तो कह रहा मिल हूं, सकती है। तभी तो कह रहा हूं, उठाइए। जो लोग रामचरितमानस को उठा करके जला देते हैं सनातन को केवल और केवल टारगेट करने के लिए, वो उसको क्यों नहीं देखते जहां हलाला का प्रावधान है, जहां बुर्का प्रथा है, जहां 3 तलाक जैसी कुरीतियां हैं? क्यों क्यों? जब देश के राजनेताओं ने इस कुरीति को मिटाने के लिए देश में कानून लाने की पैरवी करी तो इनमें से कोई नेता आकर के खड़ा क्यों नहीं हुआ कि हां ये कुरीति समाप्त होनी चाहिए? क्यों नहीं हुआ? मैं ये नहीं कहता कि आपने पूरी रामचरितमानस जला दी, आप पूरी कुरान जलाएं, मैं कहता हूं सिर्फ वो पन्ना जला करके दिखा दो जहां पर हलाला का प्रावधान है। ये मैं उन नेताओं से कह रहा हूं जो नेता सनातन को टारगेट करके केवल और केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, नहीं कर सकते। उसी दिन देश का मुसलमान ऐसे नेताओं को मुंह काला करके गधे पर बिठा करके इनका सर काट देगा, नहीं कर सकते। ये सनातन की कमी मानते हैं आपकी, इतना जवाबी नहीं है, इतनी जवाबी कार्रवाई नहीं होती है, यहाँ मनुस्मृति जलाई जा सकती है? सनातन सनातन की कमी तो है ही, कायरता है ही, निकम्मापन है, नकारापन है, और इसके साथ साथ सनातन का एक सात्विक पक्ष भी है ये कि सनातनी कभी भी अटैक नहीं करता। मैं मानता हूँ इसको कि क्या? ये जो भाव है उदारता का, हाँ ये सनातनी में ही है, दुनिया के किसी इस्लामिक व्यक्ति में ये उदारता का भाव है ही नहीं, दुनिया के किसी भी ईसाई व्यक्ति में ये उदारता आ ही नहीं सकती। 100 से अधिक देश हैं दुनिया में ईसाईयत के, आप जाकर के देख लो अगर कहीं उदारता है तो, कहीं नहीं है। 50 से अधिक देश हैं मुसलमानों के, कहीं है उदारता? हिंदू राष्ट्र के बारे में आपका क्या विचार है? आजकल ये जो विषय है सबसे ज्यादा चर्चित है कि हिंदू राष्ट्र बन रहा है, हिंदू राष्ट्र नहीं तो बन सकता। जिस अंदाज से ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं कभी भी उस अंदाज से हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा केवल भाषणवादी नारों से, हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता पीरों की कब्र मजारों से, हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता गिरजा मस्जिद मिंबारों से, हिंदू राष्ट्र नहीं बनता लंबी चौड़ी कोठी कारों से, हिंदू राष्ट्र बनेगा केवल गुरुकुल के प्रचारों से। और क्यों बनना चाहिए हिंदू राष्ट्र? जैसे तर्क दिया जाता है विरोधी पक्ष का कि 47 के बाद से हम एक लोकतांत्रिक शक्ति के रूप में, एक राष्ट्र राज्य के रूप में एकीकृत हुए हैं, तो हम पाकिस्तान की आलोचना इस बिना पे करते हैं कि वो एक धर्म के आधार पर राष्ट्र बना, जो कि असफल प्रयास था बांग्लादेश बन जाने के बाद में। धर्म आधार नहीं हो सकता देश का, भाषा ज़्यादा मजबूत आधार होता है, वरना बांग्लादेश अलग नहीं होता। तो क्या यह जो प्रश्न है कि ये हिंदू राष्ट्र है बनाने की आवश्यकता नहीं है, एक तो पक्ष ये भी है, आप कहते हैं कि इन वादे नारों से नहीं बन सकता, बनना भी चाहिए क्या? ये भी एक बिल्कुल बहुत बनना सवाल है। चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए? और ये जो लोकतंत्र लोकतंत्र की बीन बजाते हैं, जाकर के अफगानिस्तान में क्यों नहीं लोकतंत्र की स्थापना करते हैं? करें ना, वहां इनको कौन रोक रहा है? चलो यहां पर सनातन का
झंडा उठाने वाले, सनातन की प्रखरता से, निपुणता से बात करने वाले, इनके लोकतंत्र में बाधक हैं, ठीक है। लेकिन अफगानिस्तान में तो कोई सनातन इनका बाधा नहीं दे रहा इनको, वहां जाकर के करें। क्यों नहीं करते पाकिस्तान में ये लोकतंत्र की पैरवी, जहां सरेआम हिंदू बेटियों को, नहीं यहां तो लोकतंत्र की पैरवी कर रहे हैं। हाँ, सवाल मेरा ये है कि बनना चाहिए क्या हिंदू राष्ट्र? बिल्कुल अवधारणा बनना चाहिए, जब दुनिया में 56 मुसलमानों के देश हैं, 100 से अधिक ईसाइयों के देश हैं, तो क्या सनातनियों को अपना अस्तित्व बचाने के लिए, अपने राम की परंपरा को जीवित रखने के लिए, भगवान श्री कृष्ण के उन स्मृतियों को शेष रखने के लिए, क्या इसको सनातनी राष्ट्र नहीं बनाना चाहिए? बिल्कुल बनाना चाहिए। सवाल फिर वही खड़ा हो जाता है, जैसे हिंदू चाहेगा कि हिंदू राष्ट्र बने, मुसलमानों ने पाकिस्तान मांग लिया, भीम दीवाने भीमलैंड मांग लेंगे, द्रविड़ के द्रविड़स्तान मांग लेंगे, क्यों किस क्यों मांगेंगे? ये हमारा देश है, सनातनियों का देश है, किसी की कोई हिम्मत नहीं है यहाँ अपना हिस्सा मांगने की। तो आज तो मांगे, एक तो ले लिया वो, क्या पाकिस्तान तो ले लिया, जो एक पृष्ठभूमि और रची जा रही है गांधी की, गांधी की गलतियों के कारण ले लिया, लेकिन अब सरकार को इसमें सख्त हो, इसीलिए मैंने कहा ना हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा केवल भाषण वाले, सरकार इसमें सख्त हो जाए, नियम कानून जो बने हुए हैं पहले से उनको लागू कराने की दृष्टि में सख्त हो जाए। जो भारत के विरोध की बात भारत की धरती पर रह करके करेगा, उसको भारत से तुरंत बाहर कर दे, तुरंत बाहर चले जाओ। आपका 56 देश है पूरी दुनिया में, देश का कोई भी मुसलमान यदि देशभक्त नहीं होगा भारत में, तो उसको भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है, उसको एक इंच भूमि भारत ना दे और नहीं देनी चाहिए, उसका कोई अधिकार नहीं है भारत पे। हमारे पितरों की भूमि है और हमारी भारत पुण्य भूमि भी है, हमारा मालिकाना हक है इस पे, मुसलमान का नहीं है, क्योंकि मुसलमान की पुण्य भूमि भारत नहीं है, मुसलमान की पुण्य भूमि मक्का मदीना है। कल के दिन यदि लड़ाई होगी ना, तो ये मुसलमान भारत के साथ नहीं खड़े होंगे, ये अपनी पुण्य भूमि के साथ खड़े होंगे। कल के दिन यदि लड़ाई होगी तो ईसाई भारत के साथ नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि भारत इनकी पुण्य भूमि नहीं है। इसराइल और फिलिस्तीन का मुद्दा भी बता ही रहा है। हाँ, बता रहा है ना आपको, देखो सनातनियों की पुण्य भूमि है, राम यहां पैदा हुए, कृष्ण यहां पैदा हुए, हमें जब यात्रा करनी होती है तो भारत से बाहर नहीं जाते, भारत में ही सब विद्यमान है। हाँ, जो भारत में था वो कुछ लुटेरों ने लूट लिया, हमको आज गुरु नानक जी की स्मृतियों को स्मरण करने के लिए वहां जाना पड़ता है पाकिस्तान, वो जो कॉरिडोर बनाया है अभी सरकार ने, दुख की बात है, हम अपनी पुण्य भूमि को नहीं बचा पाए, अपने पूर्वजों की स्मृतियों को नहीं बचा पाए। कितने दुर्भाग्य की बात है कि भारत में राम के जन्म स्थान पर श्री राम का मंदिर बनने के लिए 500 साल तक का इंतजार हमको करना पड़ा। हम राम मंदिर बनाने की बात और मांग मक्का मदीना के बगल में नहीं कर रहे थे, उनके जन्म स्थान पर कर रहे थे, तब भी हमको इतना समय लग गया, कितनी दुर्भाग्य की बात है ना। लेकिन नारे तो लगते हैं बाबरी जिंदा है, उसके बाद भी लग रहे हैं। तो आप सोच के देखिए कि ये देशभक्त कैसे हो सकते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तो कह दिया था पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया में कि मुसलमान कभी देशभक्त नहीं हो सकता। हाँ, उनका भाईचारा हाँ अपने बीच तक ही सीमित है। इसीलिए कुरान तो कह रही है ना, सूरह तौबा 9 आयत संख्या 5, फैजन सलखल अशरुल हुरुम फक्तुलुल मुशरिकिन हैसु वजदतुहुम वखुजूहुम वसरूहुम वखुदूलहुम कुल मरसदीन फइन ताबू व अकामुस्सलात व आतवुज़्ज़कात फखल्लू सबीलहुम इन्नल्लाहु गफूरुर रहीम। इन काफिरों को जहां कहीं पाओ वहां कत्ल कर दो, इनकी घात में बैठो, और जब ये नमाज कायम कर ले तो इनको छोड़ दो, बख्श दो, बख्श दो। झूठ कह रहा हूं तो कोई दुनिया का मुसलमान बताए क्या अर्थ है इस आयत का? और सनातन धर्म फिर भी अभी कह रहा है अयम निजा पर्व वैति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम संग छद्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भावो इन्द्रं वर्धन्तु अप्सराः अपाघ्नन्तु रावणा कृणन्तु विश्वमार्यं मनुर्भवा मनुष्य बनो पूरी वसुधा तुम्हारा परिवार है। और वहां वो क्या कह रहे हैं कि जो काफिर है, जो अल्लाह को नहीं मानता, जो मोहम्मद साहब को नहीं मानता, जो कुरान पर ईमान नहीं लाता,
उसको जहां कहीं पाओ वहां कत्ल कर दो, चाहे वो इंसानियत वाला है, चाहे वो सत्य पर चलता है, चाहे वो प्रेम न्याय सदाचार नीति इन चीजों पर भी चलता है, परंतु क्योंकि वो अल्लाह ताला को नहीं मानता, वो मोहम्मद साहब को नहीं मानता, वो कुरान को नहीं मानता, इसलिए उसको इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है। यदि वो बचना चाहता है तो अल्लाह पर ईमान ले आए और नमाज कायम कर ले तो उसको बख्श देगा अल्लाह। और ये बात मैं कोई झूठ नहीं कह रहा हूं, वो तो प्रतिदिन प्रतिदिन 5 बार अपनी मस्जिदों से ये ऐलान करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह हुवा अशहदु अन मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अल्लाह के सिवा कोई इबादत करने योग्य नहीं है और मोहम्मद के सिवा और कोई रसूल नहीं है। बार बार संकेत कर रहे हैं नहीं है, आने वाले समय में हम तुमको ये सिद्ध करके दिखा देंगे। कह रहा है प्रत्येक मुसलमान मौलवी मदरसे से, कोई नहीं है अल्लाह के सिवा इबादत करने वाले योग्य, और जितने तुम कर रहे हो अल्लाह के सिवा अन्य पुरुषों की इबादत, आने वाले समय में तुम्हारे कंधों पर तलवारें रखी जाएंगी। जब हमारी संख्या बढ़ेगी तो तुम्हें काट कर यहां से भगाया जाएगा, जैसे तुम्हें पाकिस्तान से भगाया गया, जैसे तुम्हें कश्मीर से भगाया गया, जैसे तुम्हें अफगानिस्तान से भगाया गया, जैसे आज भी तुम्हें दुनिया के विभिन्न देशों में आग लगती दिखाई दे रही है, ऐसी आग लगेगी बंगाल में भी लगेगी, ऐसी आग उत्तर प्रदेश में भी लगेगी, ऐसी आग नूह में लगी उसका प्रमाण हमने अभी देख ही लिया, और ऐसी आग भारत के 10 उन राज्यों में जहां सनातनी अल्पसंख्यक हैं वहां रोज लग रही है, वो इन मीडिया चैनल वालों को नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि मीडिया चैनल वाले अभी केवल और केवल एक चीज पर केंद्रित हैं, वो है राम मंदिर। उनको टीआरपी अभी सबसे अधिक राम मंदिर से मिल रही है तो वो राम मंदिर दिखा रहे हैं, कल के दिन उनको किसी मस्जिद से मिलेगी तो वो मस्जिद दिखाएंगे। लेकिन मैं अपने सनातनी भाइयों से जो सनातन की बात करते हैं, जिनकी श्रद्धाएं सनातन में, मैं पूछना चाहता हूं पिछले 10 साल में कितने गुरुकुल खुले एक बार देखो तो आंकड़ा उठा करके, और कितने बंद हुए एक बार देखो, कितने मदरसे खुले, कितने मदरसों के मौलवियों को सरकारें पेंशन देने लग रही हैं वो देखो एक बार आंकड़ा, मदरसों की संख्या ऐसे ऊपर जा रही है और गुरुकुल जो खुले हुए थे वो भी बंद हो रहे हैं। दुर्भाग्य है कि नहीं इस देश का, ऐसे बनेगा हिंदू राष्ट्र? उनकी संख्या कायम हो रही है, घर घर में इस्लामिक क्रांतिकारी तैयार हो रहा है जो अल्लाह और मोहम्मद के ईमान को इस घर घर तक जबरन पहुंचा देगा। प्यार से नहीं मानोगे तो तलवार से मानोगे। मानता हूं कुरान में बहुत सारी काम की बातें हैं, लेकिन ये भी कहना पड़ेगा कि बाकी जो हैं वो सब खुरा पाते हैं। गौतम जी की बात सुन के न केवल गौतम जी की नींद उड़े बल्कि सनातनियों के भी उड़े। अभी पर आपको बहुत सारे लोग गाली देंगे, आपने मुझे बुला लिया, बहुत सिरोधार्य है। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, धन्यवाद।